हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे लाइफ में कल क्या होने वाला है इस बात की कोई गारंटी नहीं है और हमारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। इस झूठी आशा के भरोसे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यदि हम अपने जीवन को प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो हमें दिखाई देता है कि हमारा जीवन कई प्रकार की अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है और यही अनिश्चितता अपने साथ कई प्रकार के रिस्क को भी साथ लाती है, जैसे कि परिवार में अचानक किसी का मृत्यु होना या किसी का सडन एक्सीडेंट हो जाना या किसी की मेडिकल कंडीशन ज़्यादा खराब होगी या बिजनेस में लॉस होना या फिर से कोई पेंडेमिक जैसी कंडीशन आई और आपकी जॉब चली गई। ये सारी चीज़ें बता के नहीं आती और ना ही हम इन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इनमें से कई चीज़ें तो ऐसी है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर ही होती है। इसलिए इस प्रकार के रिस्क को हम इंश्योरेंस लेके मैनेज कर सकते हैं। एक इंश्योरेंस पॉलिसी होने से आपको यह अश्योरेंस मिलती है कि यदि आपके ऊपर ऐसी कोई नौबत आती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ का हर्जाना आपको देगी। अब सवाल ये आता है कि बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का निर्णय जिंदगी भर के लिए होता है, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी जल्दबाजी में लेना अवॉइड करना चाहिए। आज के वीडियो में हमें 2030 में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हम अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकें। सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरतों को समझना चाहिए। सबसे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि हमें पॉलिसी किन कारणों के लिए चाहिए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस या फिर होम इंश्योरेंस या अन्य कोई इंश्योरेंस। उदाहरण के लिए यदि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो आपको अपनी उम्र, हेल्थ कंडीशंस, पारिवारिक स्थिति यानी फैमिली कंडीशंस और फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना होता है कि आपको पॉलिसी आपकी पूरी फैमिली के लिए चाहिए या आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या आप किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए पॉलिसी ले रहे हैं या फिर आप मैटरनिटी बेनिफिट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। सेम सेक्टर में अलग अलग पॉलिसीज़ का कंपैरिजन करें। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के अलग अलग प्लान्स को कंपैरिजन करने से आपको अपने लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बेहतर रहेगी वो जानने में आसानी होगी। आपको पॉलिसी के फीचर्स, कवरेज की लिमिट, प्रीमियम की कॉस्ट, क्लेम का सेटलमेंट रेशो, पॉलिसी टर्म्स और कंडीशंस और दूसरे पॉलिसी होल्डर्स के रिव्यूज को भी स्टडी करना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशो चेक करें। क्लेम सेटलमेंट रेशो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटल किए गए क्लेम्स के परसेंटेज को दर्शाता है। हाई क्लेम सेटलमेंट रेशो वाले इंश्योरेंस कंपनी का चयन करें, क्योंकि यह आपकी क्लेम सेटलमेंट की संभावना को बढ़ाता है। फाइनेंशियली स्टेबल इंश्योरेंस कंपनी का चयन करें। एक मजबूत और स्थिर इंश्योरेंस कंपनी के लॉन्ग टर्म में अपने दायित्व को पूरा करने की अधिक संभावना होती है, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है और उसकी रेपुटेशन कैसी है यह जानना जरूरी है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट के दौरान किसी भी सरप्राइज से बचने के लिए आपको आपकी पॉलिसी में क्या चीज़ कवर है और कौन सी चीज़ कवर नहीं है उसकी प्रॉपर जानकारी होना आवश्यक है, नहीं तो आपको आपकी क्लेम अमाउंट के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है या फिर आपका क्लेम भी डिनाय हो सकता है। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल या फिर नेटवर्क गैरेज के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए जिनके साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है। इसका फायदा आपको कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के दौरान होगा। प्रीमियम वर्सेस कवरेज। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑफर किए गए कवरेज के हिसाब से जो प्रीमियम की लागत है उसका कंपेरिजन करें। कम प्रीमियम वाली पॉलिसी में आपको लिमिटेड कवरेज ऑफर किया जाता है, जबकि हाई प्रीमियम वाली पॉलिसीज में आपको मिलने वाले कवरेज की लिमिट भी ज़्यादा होती है और इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं। इसलिए जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपसे लिए जाने वाले प्रीमियम के हिसाब से आपको कवरेज ऑफर किया जा रहा है नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी की कस्टमर सर्विस के बारे में पता होना चाहिए। एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद क्लेम प्रोसेसिंग या पॉलिसी रिलेटेड क्वेरीज के लिए कस्टमर सर्विस का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए ऐसी इंश्योरेंस कंपनी का चयन करें जिसकी कस्टमर सर्विस में रेपुटेशन अच्छी हो। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले किसी रिलायबल इंश्योरेंस एडवाइज़र या इंश्योरेंस एजेंट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र और एजेंट आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी हर आदमी के ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पॉलिसी आपके बजट में आती है उसका चयन करें। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ना ना भूलें। Thank you for watching this video. Do subscribe to the channel if you like the video.